नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पीपल का पेड़ वैज्ञानिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही इसका धार्मिक महत्व भी है। पीपल के पेड़ पर पितरों का निवास होता है। पितृ पूजा में पीपल के पेड़ का विशेष स्थान है। इसके अलावा स्कंद पुराण में पीपल के वृक्ष की तुलना भगवान श्री हरि विष्णु से की गई है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसलिए हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। इसके साथ ही कहते हैं कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि पिपलाद के माता पिता की मृत्यु शनि की महादशा के कारण अल्प आयु में ही हो गई थी, जिससे क्रोधित होकर ऋषि पिपलाद ने पीपल के पेड़ के नीचे कई वर्षों तक केवल पीपल के पत्ते खाकर ब्रह्मदेव का तप किया था। ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान में ब्रह्मदंड प्रदान किया। ऋषि पिपलाद ने प्रतिशोध में ब्रह्मदंड का प्रहार शनि देव पर किया, जिससे उनका एक पैर टूट गया। शनि देव जीवन रक्षा के लिए भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने ऋषि पिपलाद का क्रोध शांत कराते हुए वरदान दिया कि शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति पीपल के पेड़ का पूजन करेगा, शनि देव की महादशा का उस पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग लोक पर असुरों का राज हो गया था। तब कैटव नाम का एक राक्षस पीपल के पेड़ का रूप धारण करके यज्ञों को नष्ट करने लगा। जब ऋषिगण यज्ञ समाधि लेने के लिए पीपल के पेड़ के पास जाते तो राक्षस उनका भक्षण कर लेता था। ऋषियों ने शनि देव से सहायता मांगी। शनि देव स्वयं ब्राह्मण कुमार का रूप लेकर पीपल के पेड़ के पास बैठ गए और राक्षस कैटव का वध कर दिया। इस प्रकार शनि देव ने पीपल के पेड़ और ऋषियों को राक्षस के आतंक से मुक्त किया। तब से कहते हैं कि जो भी शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करता है उस पर शनि देव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उसके जीवन में आने वाली जो भी समस्या है उसका निवारण करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पीपल देव की कथा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके वो भी बताएं। दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी में। तब तक के लिए राधे राधे।